जो इंडिपेंडेंट टीवी पे स्टार के चैनल्स नहीं आ रहे हैं उसको लेके इन्होंने एक मेल किया है हमें, जो कि हेल्प में जाके अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पे मेल पे आप क्लिक कीजिएगा जब, तो पहला जो आया हुआ है मेल, इसमें देखिए क्या है। डियर कस्टमर, करेंटली ऑल स्टार चैनल्स आर सस्पेंडेड ऑन आवर नेटवर्क ड्यू टू लीगल रीजन्स। अब इन्होंने जो मेल किया इसमें बोला हुआ है कि लीगल रीजन्स के कारण नेटवर्क हमारे नहीं आ रहा है, जितने दिन के लिए नहीं आएगा चैनल उसका वो पैसा हमारे अकाउंट में ऐड कर देंगे। तो चीज़ें वही साफ हो गई कि मतलब कोई ना कोई चक्कर चल रहा है स्टार और इनके बीच में, और कोई ठीक नहीं है कब तक हमारा स्टार्ट होगा चैनल। अब देखिए इन्होंने ये बोला है कि अगर कॉल सेंटर का नंबर इसमें नहीं लगता है तो आप इनको मिस कॉल दे सकते हैं इस नंबर पे। मतलब कि आपको अगर बात करने में असुविधा हो रही थी तो आप यहाँ मिस कॉल दीजिएगा, वो लोग कॉल बैक करेगा आपको 9764069900। इसी बात की मैंने कस्टमर केयर से आज बात करी है, उसका ऑडियो मैंने आगे लगा रखा है, आप पूरा वीडियो देखिए, आपको इन्फॉर्मेशन इसमें मिलेगी ये लोग क्या बोल रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, इनकी बात रटी रटाई है, लेकिन मैंने कुछ बात करने क्लियर करने की कोशिश की है जो कि आप वीडियो सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा। हेलो, हाँ जी बताइए सर। अरे सर, ये मेल आया हमारे पास टीवी के ऊपर कि आपका इंडिपेंडेंट टीवी पे जो स्टार के चैनल्स नहीं आ रहे थे उनसे हमारा डील नहीं हो पाया या पता नहीं क्या आया था, कुछ मैसेज आया हुआ है, क्या दिक्कत है ये नहीं समझ में आ रहा कुछ। मैं कंफर्म कर देता हूँ अकुल, मतलब स्टार के चैनल अभी नहीं चल रहे हैं सर, माफी चाहेंगे कुशलता के लिए सर। हमारी भरपूर कोशिशों के बावजूद भी अभी चैनल नहीं स्टार्ट हो पाया है, बट हमारी टीम जल्द जल्द प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रही है। मतलब क्या प्रॉब्लम है आपको, स्टार का मतलब पेमेंट का इशू है या टेक्निकल इशू, क्या इशू है सर? ये कंपनी की डिटेल्स होती है, टेक्निकल इशू ये अभी कुछ अवेलेबल है सर स्टार सीरीज के चैनल पे, बट जो चैनल जो मतलब जो नोटिफिकेशन आ रहे टीवी स्क्रीन पे, कहने का मतलब है जो आप चैनल नहीं देख पा रहे, 24 तारीख से चैनल नहीं आ रहे हैं सर, उस समय से चैनल स्टार्ट हो तो उस समय तक का बैलेंस आपके कनेक्शन पे। कोई पता नहीं है टाइम का, कब तक चालू होगा, 2 दिन में, 20 दिन में, 200 दिन में, कितने दिन में चालू होगा, कोई पता नहीं है आप लोगों को जी? नहीं अभी रिजोल्यूशन में कुछ तो पता होगा, अभी काम चल रहा है तो बाकी सारे जितने भी डिटेल्स हैं उस पर तो स्टार आराम से आ रहा है, कोई टेक्निकल इशू नहीं है कहीं। आप लोगों का क्या चक्कर है, आप लोग पेमेंट का चक्कर है ये तो बता दो कस्टमर कम से कम कि पेमेंट हमने नहीं किया इसलिए नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है सर? अगर किसी प्रकार के, देखिए सर अब हमें जो डिटेल्स दी जाती है उसके अकॉर्डिंग हम आपको बताते हैं सर, अभी ऐसी कोई अपडेट अभी नहीं प्रोवाइड करी गई है सर, ये जानकारी दी गई है बिल्कुल जो आपका बैलेंस कट रहा है वो हम आपको रिफंड कर देंगे। तो इंडिपेंडेंट टीवी लगवा लिया हमने, अब हम मैच जो सबसे इम्पोर्टेंट, सब जानते हो कि इंडिया में आईपीएल शुरू हुआ, लोग इतना मैच देखते हैं, वो आप किसी चैनल पे आ ही नहीं रहे, कम से कम कोई और चैनल पे तो प्रोवाइड कराओ मैच, आप कहीं और तो दिखवाओ, कुछ तो कराओ। बिल्कुल सर, आपकी जो क्वेरी है डेफिनेटली सर सेंड की जा रही है हमारे कंपनी कंसर्न डिपार्टमेंट में, समझ सकते हैं सर। आईपीएल आ रहा है सर, काफी ज्यादा सुविधा डाउन फेस करनी पड़ रही है आईपीएल की वजह से सर, सॉरी आईपीएल नहीं देख पा रहे थे, असुविधा हो रही है सर, बस थोड़ा सा और समय दीजिए। अभी अपडेट हो चुकी, अब तक मैं आपको प्रोवाइड कर चुका होता कंपनी के द्वारा जो फाइनल अपडेट है, अभी किस समय तक चैनल आएंगे सर उसकी जानकारी नहीं आई है, बट बैलेंस आपका रिफंड हो जाएगा सर, जितना भी बैलेंस आपका। मतलब कहने का मतलब कोई पता नहीं है हमारा, हमें लगता है कि आईपीएल देखने को मिलेगा ही नहीं, है ना, यही बात है, हमें इंडिपेंडेंट टीवी देखकर गलती कर दी। देखो शुरू से देखो आप, अगर हमने पैसा मेरी जगह पे आप होते अगर स्टार्टिंग में इतना पैसा देने के बाद 1 साल तक फ्री आएगा, वो फ्री तो आया नहीं, एचडी वाले चैनल वो अलग चले गए, सोनी कम से कम अभी मान लो स्टार वाले नहीं आए तो सोनी के मैच वाले तो दिखा दो, जो सोनी पे चैनल आते हैं स्पोर्ट्स को, वो भी आप लोग नहीं दे रहे हो, सारे चैनल उड़वा दिए आप लोगों ने यार। मतलब दिन पे दिन इंडिपेंडेंट टीवी जो मन करता है वो कर देता है। कल बात करी कस्टमर केयर में, वो कह रहे हैं कि आप 5 साल का जो सर्विस दे रहे थे वो भी नहीं देंगे हम आपको, सिर्फ 1 साल का है और वो भी आपका मंथली के हिसाब से कटेगा, आपको कोई पहले वाला सर्विस सब बंद है। ट्राई ने ऐसा कुछ नहीं बोला था, ट्राई ने बोला था कि जो पुराना पैक जिनका है वो चला सकते हो आप, वो बदलो मत, वैसे चलने दो। ट्राई के अकॉर्डिंग जो अपडेट आया है जो फ्रीडम प्लान था वही बंद हो गया है सर, जो न्यू कनेक्शन का प्लान था तो बंद कब हुआ? जब ट्राई का नियम लगा तब बंद हुआ ना, उसके पहले वाले को तो चलेगा ना, उसके पहले जिन्होंने लिया हुआ है अगर चलना चाहिए। इस समय सर पैक ही एग्जिस्ट नहीं करता है, फ्रीडम प्लान अभी एग्जिस्ट नहीं करता ना, जब हमने लिया था, रेट्रोस्पेक्टिव आप कैसे किसी चीज को हटा सकते हो, पीछे रूल के आपका रूल जिस दिन आया उसके पहले के जो प्लान है उसको आप कैसे बंद कर सकते हो जो लागू है उसके उस प्लान को जी। मैं छोटी सी कंपनी आपकी इंडिपेंडेंट टीवी, बताओ टाटा स्काई वगैरह के आप कॉपी करना शुरू कर रहे हो, टाटा स्काई का क्या दे पाओगे आप लोग कभी भी जो क्वालिटी देता है टाटा स्काई, ना आपका पिक्चर क्वालिटी अच्छा आता है ना कुछ आता है ना साउंड अच्छा आता है आपका, उसके बाद आप जो चैनल था तो भी बंद कर दिया आपने, क्यों लिया हुआ हमने फिर, हमारा तो पूरा पैसा वापस रिफंड मिलना चाहिए जितना हमें लगा था लेने में टीवी।
क्वेरी में डेफिनेटली आपके साथ सेंड कर रहा हूँ, मैं कंसर्न दिखा दूंगा, बस सर यहाँ थोड़ा और वेट करना होगा आपको। ठीक है क्वेरी करो, लेकिन उसको कोई बेनिफिट मुझे दिख नहीं रहा है। आप जब खुद को कह रहे हैं कि आपको कोई अपडेट नहीं है, पता नहीं कब तक आएगा, कोई ठीक नहीं है, मेल आपने भेज दिया हमें, पैसा दे देंगे, ऐसा थोड़ी होता है कि आपका जब मैंने सर्विस लिया है तो वो मुझे पूरा चाहिए ना, ये पैसे वापस लेने होते तो मैं आप सारे चैनल बंद कर दो फिर पैसे वापस कर देना हमारे, ये ऐसा थोड़ी होता है, बताओ जरा। सर मैं समझ सकता हूँ सर, आपकी जगह होता आपकी तरफ होती, अंडरस्टैंड सर, एंड इस समय आईपीएल चल रहा काफी ज्यादा और असुविधा फेस हो रही है। कम से कम एक और देखो, आप लोग रिप्रेजेंटेटिव हो इंडिपेंडेंट टीवी के, इसलिए आप लोगों को भी इतना सुनना पड़ रहा है, आप लोग एम्प्लॉय हो, आप लोगों को डायरेक्ट कोई कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन चीजें ये है कि आप आगे बढ़ाओ इन चीजों को, कि कस्टमर कितने ज्यादा परेशानी में, आप अपने सीनियर को बताओ, सीनियर आगे बढ़ाए बात को। जी बिल्कुल, मेरे जानने में जितने भी लोग इंडिपेंडेंट टीवी वाले इतना गाली देते हैं इंडिपेंडेंट टीवी को, आप सोच नहीं सकते हो। अंडरस्टैंड सर, समझ सकता हूँ सर, इस बात को अपने मीटिंग में और चीजों को बताइए आगे अपने सीनियर को, कि इस चीज को रखें और जल्दी जल्दी रिजोल्व करें सोल्यूशन इसको लाए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी इंडिपेंडेंट टीवी को। सारे लोग बात करें कंज्यूमर कोर्ट में जाने के लिए, कोई कह रहा केस करने के लिए, कोई कह रहा कुछ, ये चल रही है बातें आपकी। बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है सर, बस थोड़ा और वक्त दीजिए सर, जैसी कोई जानकारी आती है आपको सूचित कर रहा है।